हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हो रहा है सुबह के 8:45 एंड अभी हम लोग रेडी होते हैं कॉफ़ी के साथ और फिर बैठते हैं हम लोग मार्केट। कॉफ़ी लेके आ गया हूँ मैं और अभी हम लोग अपने सारे चार्ट्स वगैरह को रेडी करते हैं। अभी सारे मैंने चार्ट्स वगैरह भी सेट कर लिए हैं और निफ्टी में अभी आज काफ़ी ज़्यादा फॉल आ रहा है। ऑलमोस्ट अभी चल रहा है निफ्टी 59 पॉइंट्स है डाउन और निफ्टी बैंक है 294 और यहाँ पे निफ्टी एक सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है बिकॉज लास्ट टाइम ये जो रैली आई थी कल क्लोजिंग के टाइम पे वो भी इसी एग्जैक्ट पॉइंट से आई थी। तो मे बी यहाँ से सपोर्ट लेके ये टर्न अराउंड भी हो सकता है। अच्छा मूव था ये वाला तो हम लोग का मिस हो गया है, अभी वेट करना पड़ेगा। 1 मिनट में एक बार शिफ्ट करते हैं। सो ये अगर हम लोग यहाँ ऊपर से फीबो ड्रॉ करते हैं टॉप टू बॉटम, सो यहाँ पे इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। देखते हैं अभी इसके बाद अगर ये डिप लेके दोबारा ऊपर जाने की प्लानिंग करता है और ये जो 0.5 का लेवल है इसके ऊपर अगर हम लोग को एक अच्छा सा क्लोजिंग मिलता है 5 या 3 मिनट्स की कैंडल पे तो हम लोग अपसाइड का प्लान करेंगे, वरना ओवरऑल जो मार्केट है वो डाउन साइड का ही है तो फिर हम लोग डाउन साइड के प्लान करने वाले हैं। मैंने सेलिंग ट्रेड में एंटर किया है बिकॉज ये जो ओवरऑल फॉल था इसका एक मुझे ये रिट्रेसमेंट लग रहा है बिकॉज कल भी मार्केट काफ़ी नेगेटिव था। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी आया है तो मैंने अभी ये 90,700 का पी को लिया है और अभी हम लोग का पी एन एल चल रहा है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन 45-30 रुपीज़। देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला ट्रेड हमारा गलत हो गया है, अभी इसको 2500 पे मैंने क्लोज कर दिया है और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर एक अपसाइड का ब्रेकआउट आता है तो फिर हम लोग बाइंग साइड में चले जाएंगे। इसको यहाँ पे मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट दे सकता है तो काफ़ी ज़्यादा क्विक होना पड़ता है। अभी मैंने सेलिंग वाले ट्रेड से निकल के यहाँ पे मैंने अभी कॉल वाले में एंटर किया है और अभी हमारा पीएनएल जो 2400 नेगेटिव से था अभी आ गया है ऑलमोस्ट 1900 और इसमें हम लोग को 500 चल रहा है कुछ पॉजिटिव में। सो देखते हैं ये वाला ब्रेकआउट हमारा कैसे परफॉर्म करता है। ट्रेड के बीच में मेरा फ्लिपकार्ट का ऑर्डर आ गया तो मुझे नीचे जाना होगा। इस वाले ट्रेड को मैं शायद यहाँ पर ही क्लोज कर दूंगा, अभी जैसे उसका कॉल आएगा मैं उसको यहाँ पे क्लोज करके फिर नीचे जाऊंगा। तो ये वाला जो हमारा ट्रेड था अच्छे से परफॉर्म किया है और अभी हम लोग का पीएनएल 2400 नेगेटिव से आ गया है बस 100 नेगेटिव में, तो ऑलमोस्ट हमने इसमें बुक किया है 2300 और मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, मेरा ऑर्डर आ गया है। तो उसके बाद आके कोई ट्रेड देखते हैं अगर मिलती है, वरना फिर आज का मैं डे क्लोज कर दूंगा बिकॉज ऑलरेडी हम लोग के 2 ट्रेड हो गए हैं। तो फ्लिपकार्ट का मैं सामान लेने के लिए नीचे आया और ये बैग लेकर आया, उसमें डालूंगा सब। सो वापस आ गया हूँ मैं और अभी जो हमारी लास्ट ट्रेड थी ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद मैंने यहाँ पे पुल बैक पे एंटर किया था। लिफ्ट में मैं फोन लेके गया था बट ये फेल हो गया, बट क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं था ये चार्ट्स वगैरह तो मैं लेट एग्जिट कर पाया और फिर से लॉस हो गया है अभी हमारा 2400। सो मैं आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ। अभी हमारे ऑर्डर्स हैं आज के 6 और अभी हम लोग जो है हमारा सेटअप क्लोज कर देंगे बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड हमारा अभी हो गया है आज का। 3 ट्रेड्स होते हैं मेरे नॉर्मली, 2 से 3 ट्रेड और प्रॉफिट्स होते हैं 4500-5000 एंड लॉस अराउंड 2500-3000। आज का हम सेटअप क्लोज करेंगे 2500 नेगेटिव में। तो अभी जो फ्लिपकार्ट का ये ग्रोसरी का सामान है मैं इसको अभी एडजस्ट करता हूँ पूरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम अपने वर्कआउट के लिए। ये मेरे जिम का शॉर्टकट वाला रास्ता है, वेदर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हवा भी बहुत चल रही है आज भी। तो जिम से मैं वापस आ गया हूँ और कितना ज़्यादा अभी आज क्लियर है वेदर, सारे जो बारिश वाले क्लाउड्स हैं ना वो भी चले गए और इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है यार इस मेरे नए फ़ोन की। ये क्लाउड्स वगैरह ना एक्सपोजर कंट्रोल आपको दिख रहा है, सन है सामने उसके बाद भी ये सारे क्लाउड्स दिख रहे हैं। अभी मैं बनाऊंगा अपना शेक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्कआउट था आज मैंने किया था बैक एंड बाइसेप। तो मैं हमेशा मतलब दो बॉडी पार्ट को कंबाइन करता हूँ जैसे चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप, ऐसा बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ये सारे पीछे बैकग्राउंड में बुक्स कौन कौन सी हैं, तो ये जो भी है मोस्टली मार्केट की हैं। उसके बाद कुछ कुछ नॉर्मल ऐसे मैंने बुक्स लिए जैसे माइंडसेट डू अपेक्षेट ये सारा, बट मेजॉरिटी आपको दिखेगा इसमें सारे मार्केट रिलेटेड बुक्स है और मैंने ऑलमोस्ट इसका 60% तो पढ़ा हुआ है। काफ़ी सारे बुक्स मैंने नहीं पढ़े जैसे ये वाला मैंने नहीं पढ़ा, ये फिनिश किया है, ये भी मैंने फिनिश किया हुआ है, उसके बाद ये भी मैंने फिनिश किया हुआ है, मतलब काफ़ी सारे मैं ऑलमोस्ट पढ़ चुका हूँ। कुछ बुक्स इसमें रह गए हैं मुझको पढ़ना और काफ़ी हद तक मैंने सारे इसमें से पढ़ लिए हैं। काफ़ी सारे अच्छे बुक्स हैं, अगर किसी को मार्केट के बुक्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के ले सकते हो। ये वाला बुक काफ़ी अच्छा है, उसके बाद ये वाला भी अच्छा है, देन ये वाला काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी टेक्निकल है। सो ये आप अगर पूरा इंटरेस्ट हो तभी लेना बिकॉज आप फिनिश नहीं कर पाओगे। ये वाला साइकोलॉजी का बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके बाद ये सुपर ट्रेडर, ये भी काफ़ी अच्छा है और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैंने भी हाफ फिनिश किया है, मुझे इतना मतलब अच्छा नहीं लगा बिकॉज ये इन्वेस्टिंग का है और मेरा ट्रेडिंग का ज़्यादा होता है। ये वाले बुक्स मैंने 3 अभी तक ओपन भी नहीं करे हैं, ये नीचे वाले ये भी मार्केट के हैं और यही है।
और भी किसी को मुझे पूछना हो कि कौन से बुक्स अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इसमें से कौन से आप ले सकते हो। ये वाला कैंडल स्टिक का कंप्लीट है, मतलब आप अगर ये ले लोगे ना तो आपको काफ़ी हद तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला मैं बोलूँगा आप मत लेना, ये फ्लिपकार्ट पे मुझे मिला था उस टाइम पे, मैं आपको उसका कवर दिखाता हूँ। तो ये इतना अच्छा नहीं है यार, बहुत ज़्यादा बेसिक बुक है, मुझे मैंने किसी और की वीडियो में देखा था इसलिए मैंने लिया, और इतना अच्छा नहीं है, ये मत लेना। कैंडल स्टिक का सिर्फ एक ये वाला आप लोगे ना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शेक में मैंने डाला 1 स्कूप वे प्रोटीन, और बाकी जो भी सब डाला था वो तो दिख नहीं रहा है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। 10 कैश्यूज, 10 आलमंड, उसके बाद थोड़ा सा रेजन, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, अभी इसमें हम पानी डालेंगे। तो अभी मैं आया हूँ थोड़ा वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने के लिए बाहर, प्याज ले ली है, अभी देखता हूँ मुझे और क्या क्या लेना है यहाँ पे। करेला ले लेता हूँ, ये जूस बनाने के लिए मेरा काम आएगा। तो ये मैंने घर के लिए वेजिटेबल्स ले लिए हैं अपने। तो नीचे से आते वक्त मैं अपना ये भी लेकर आ गया था, मेरे फ़ोन का कवर ऑर्डर किया था, काफ़ी पहले किया था जब फ़ोन ऑर्डर किया था, पर अभी काफ़ी लेट डिलीवर हुआ था, उसके भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये कवर बहुत सिंपल सा है, 250 कुछ का मुझे पड़ा था ये, मैंने सोचा था नहीं यूज़ करूँगा, बट फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लिपरी है सो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर लिया, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है एंड साइड से इसमें ये प्रोटेक्शन भी अच्छा दिया हुआ है, तो यूज़ करते हैं देखते हैं कैसा है ये। गाइज आज के इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, विल सी यू अगेन।